आप देख रहे हैं न्यूज 11, मैं राजकुमार मिश्रा। शासन की योजनाओं से कोसों दूर अमरपाटन के ग्रामीण 80 वर्षीय वृद्धा अपने हाथों से बनाई झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर। सरपंच की धांधली का शिकार हुआ परिवार। मामला अमरपाटन थाना अंतर्गत सेमरा गांव का है, जहां पर एक 80 वर्षीय वृद्धा अपने हाथों झोपड़पट्टी बनाकर रहने को मजबूर है। वृद्धा को आज दिनांक तक ना तो कोई आवास का लाभ मिला है, ना ही किसी पेंशन का साथ थी। वृद्धा का पुत्र भी अपने हाथों झोपड़ी बनाने को मजबूर है। जब इस बारे में वृद्धा और उसके पुत्र से बात की गई तो उन्होंने सरपंच और सचिव पर योजना के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है और गरीबों के पास पैसे न होने के वजह से झोपड़पट्टी बनाने को मजबूर हैं। अमरपाटन से राजा खान की रिपोर्ट। आप अपना मकान अपने हाथों से बना रहे हैं? जी सर। क्यों बना रहे हैं? जबकि आवास पास है भाई। हमारा आवास जो हमारे पास आया नहीं तो क्या मालूम कि पास है कि नहीं। इसलिए कि मालूम तो है कि सरपंच के पास भाई पर्ची आ गई, रसीद आ गई, बस सब कुछ आ गया है। पर अब ऐसे की बात है, पहले जो उससे हम बात करते हैं कि सर हम लोगों को कभी गरीबों को तो भी देखिए, वो बोलते हैं जो पैसे वाला है उसी को पहले मिलेगा। तो ऐसा आपके यहाँ और किसी को मिला है आवास? आज टोटल यहाँ इस गाँव में केवल 52 के अलावा किसी को आवास नहीं, गरीब तो कोई आवास ही नहीं पाया हुआ। कोई पैसे की मांग कर रहे हैं आपसे? मांग वही केवल सिक्योरिटी और सरपंच पैसा, यानी पैसा कितना मांग? 20,000 रुपए चाहिए। तो सर 20,000 हम कहाँ से पाए उनको? इस बात की शिकायत की आपने कहा? अब शिकायत जब कोई सुनने वाला नहीं तो किससे शिकायत करें? आपकी माता राम इतनी वृद्धा में अवस्था में है, उनको कोई योजना नहीं मिली? कलेक्टर के यहाँ गई, सब ले हार गई, तहसील में गई, मतलब ऑल टोटल पटवारी तक भी यहाँ आके देख गया, पर कोई उनको एहसास नहीं हो रहा कि गरीबी मर रही है। सांप चाप दे, बीछी चाप दे कि कोई गिर जाइए ईंटे उधर जाए। अब हम भी अपने मड़ैया पे सो रहे हैं, वो भी अपनी मड़ैया पे उधर जाए। तो अभी एक दिन ऐसा हो गया सर कि वो खुद की ही परेशान हो गए, पर उसका कोई मतलब वो करने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? आपका नाम? हमारा नाम है सर राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा।